3 साल की बच्चियां हैं, अगर उनको भी हिजाब पहना के आप देख सकते हैं कि मार्केट में अगर घूम रही है, 3 साल की बच्ची की कौन सी चॉइस होगी? हमारे घर में जो मंदिर होता है, जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, चाहे बच्चियां होती हैं, चाहे बच्चे होते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है, हमको किस किस देवता की पहले पूजा करनी है, किस तरीके से हमें आराधना करनी है, ठीक है, और सर पे कपड़ा रखना है हमें, या रुमाल रखना है, या चुन्नी रखनी है, वो हम उन बच्चों को सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है। ये शायद भूल नहीं सकता कोई आदमी, ठीक है। दर्शकों, अभी मैंने समाजवादी पार्टी के हमारे साथी हैं संजीव चौधरी साहब, इनसे मेरी ये बात हो रही थी कि किस तरीके से 3 साल की एक बच्ची हिजाब में हमको मार्केट में दिख जाती है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से पैट्रियार्कल सोच जो है वो आज भी किस तरीके से कायम है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन का सबूत भी है। इसको काउंटर करते हुए अभी हमारे संजीव चौधरी साहब बोले कि छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा है कि पूजा करते हुए देखा होगा कि किस तरीके से माता पिता सिखाते हैं कि प्रार्थना करो। आपने ये भी बोलने की कोशिश की होगी कि किस तरीके से जन्माष्टमी पर छोटे छोटे बच्चों को लड्डू गोपाल बनाया जाता है। आपको एक बात बताता हूँ संजीव चौधरी साहब, छोटे छोटे बच्चों को लड्डू गोपाल बनाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को प्रार्थना कराई जाती है, ये संस्कृति का हिस्सा है। ऐसे ही जब हम छोटी छोटी बच्चियों को अगर दुआ फरमाते देखते हैं तो हमें भी खुशी होती है, उन्हें नमाज पढ़ते देखते हैं तो हमें भी खुशी होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, आप गलत चीज़ को गलत जगह कंपेयर कर रहे हैं। राजस्थान में बाल विवाह एक ऐसी प्रथा थी जो इतने हाइएस्ट लेवल तक पहुँच गई थी, जिसको काउंटर किया गया, जिसको रोका गया, और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी। लड़ाई इसलिए लड़ी गई क्योंकि ये गलत प्रथा थी, इसके लिए लड़ाई लड़ी बहुत लोगों ने। घूंघट यहां तक होता था कि कभी किसी को चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन राजस्थान में इसके लिए लड़ाई लड़ी गई और इस प्रथा को भी धीरे धीरे खत्म किया गया। सती प्रथा के खिलाफ बहुत लोग लड़े, ये गलत था और इसको खत्म किया गया। तो जो गलत चीज है उसको आप कंपेयर मत कीजिए किसी अलग चीज से। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? छोटी बच्चियां जब दुआ में होती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, ऐसे ही छोटे बच्चे जब लड्डू गोपाल बनते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये दोनों एक चीज़ है जो पॉजिटिव है, लेकिन आप नेगेटिव चीज़ को यहाँ पॉजिटिव से कैसे काउंटर कर रहे हैं, आई डोंट नो।